Hey friends, welcome again to Be Alive. I am Anurag Rishi, transformational speaker, human potential trainer, a counselor and your friend. आज मैं आपके साथ तीन ऐसी learnings शेयर करने वाला हूँ और इन्हें सिर्फ सुनना नहीं, इन्हें आप अपनी जिंदगी में permanent जगह दे देना, इन्हें अपने माइंड में permanently इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि ये आपकी जिंदगी जीने के नजरिए को बदल देने वाली है। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी टाइम में ये तीनों लर्निंग्स आपके बहुत काम आएंगी और इन तीनों लर्निंग्स को एक बहुत खूबसूरत और एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। बहुत पुरानी बात है, एक बार एक बहुत प्रतापी राजा हुआ करते थे। उनके तीन पुत्र थे और राजा ने चाहा कि अब समय आ गया है इन तीनों बेटों को कुछ सीख दी जाए ताकि आगे चल के ये मेरा राजकाज संभाल सके। राजा ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और उन्हें कहा कि हमारे पूरे राज्य में नाशपति का कोई भी वृक्ष नहीं है, नाशपति का कोई पेड़ नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम दूसरे राज्य में जाओ जहाँ पर नाशपति का पेड़ है, उसे देख कर आओ और हम सबको बताओ कि नाशपति का पेड़ कैसा होता है, उसका पूरा वर्णन करो। और राजा ने उन्हें एक निर्देश दिया कि तुम एक एक करके उस नाशपति के पेड़ को देखने के लिए जाओगे। तो तीनों भाई चार चार महीने के अंतराल पर गए, नाशपति के पेड़ को देखकर वापस लौटे और ठीक एक साल बाद राजा ने उन तीनों को दरबार में बुलाया और कहा कि अब उस नाशपति के पेड़ का वर्णन करो, अब बताओ कि वो पेड़ कैसा था। जो पहला बेटा था वो बोला कि पिताजी वो कोई पेड़ था, वो तो टेढ़ा मेढ़ा सूखा हुआ बिना पत्ते का बहुत ही बेकार सा दिखने वाला वृक्ष था। उतने में दूसरे भाई ने बोला कि नहीं पिताजी, हो सकता है ये कोई गलत वृक्ष देखाए हैं, जो वृक्ष मैंने देखा उस पर तो बहुत सुंदर सुंदर हरे भरे पत्ते आए हुए थे। इतने में तीसरा भाई बोला कि आप दोनों ही गलत वृक्ष देखाए हो, जो नाशपति का वृक्ष मैंने देखा वो बहुत सुंदर वृक्ष था, वो न तो टेढ़ा मेढ़ा था, वो बहुत सुंदर था, उस पर हरे हरे पत्ते लगे हुए थे और उस पर बहुत सुंदर और स्वादिष्ट नाशपति के फल भी लगे थे जो मैंने खुद अपने हाथों से तोड़कर खाए। अब तीनों भाई आपस में बहस करने लगे। पहला बोला कि नहीं, वो सूखा हुआ वृक्ष होता है, वही नाशपति का वृक्ष था। दूसरे ने कहा नहीं, जिस पर पत्ते हैं लेकिन फल नहीं है वही नाशपति का वृक्ष है। और तीसरे ने कहा जिस पर फल भी है और पत्ते भी हैं वही नाशपति का वृक्ष है। राजा ने तीनों को कहा कि तुम लड़ो नहीं, तुम आपस में बहस नहीं करो, तुम तीनों ही उस वृक्ष का सही वर्णन कर रहे हो, जो तुम बता रहे हो बिल्कुल ठीक बता रहे हो, मैंने जान करके तुम्हें अलग अलग मौसम में उस पेड़ को देखने के लिए भेजा ताकि तुम अपनी जिंदगी में तीन चीजें सीख सको और ये तीन लर्निंग्स आप भी अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए इंस्टॉल कर लेना। सबसे पहली चीज जो राजा ने कही वो ये थी कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति को, यानी सिचुएशन को अगर ऑब्जर्व करना हो, उसके बारे में 100% जानकारी लेनी हो, तो उसे लंबे समय के लिए ऑब्जर्व करना, उसे ज्यादा टाइम के लिए देखना। एक बार में आप किसी इंसान, किसी स्थिति, किसी वस्तु के बारे में 100% नहीं जान सकते। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो राजा ने बताई वो ये थी कि हर मौसम एक जैसा नहीं रहता। अगर आज पतझड़ है तो कल को बहार आएगी, उसी तरह तुम्हारी जिंदगी में भी हर समय एक जैसा नहीं रहेगा। अगर आज मुश्किलें हैं, अगर आज समय थोड़ा सा विपरीत चल रहा है, अगर आज टफ टाइम्स को फेस करना पड़ रहा है, तो याद रखना जो वृक्ष जिंदा रहेगा, जो खड़ा रहेगा, उस पर बहार जरूर आएगी, उस पर फल जरूर आएंगे, बस जरूरत है तो धैर्य बनाए रखने की। तीसरी और अंतिम सीख जो राजा ने उन्हें दी वो ये थी कि अपनी बात को सही मानकर उस पर अड़े मत रहो और दूसरों से बहस मत करो। जितना तुम जानते हो वो जरूरी नहीं कि वो उस चीज के बारे में 100% हो। हम किसी भी चीज के बारे में 100% नहीं जानते, और अगर हम ये सोचकर कि इस चीज के बारे में मैं जानता हूं दूसरे की बात नहीं सुनते या उससे बहस करने लग जाते हैं, तो हम कभी भी उसके बारे में जो बाकी चीजें हैं वो नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हमने अपनी जानकारी के हिसाब से एक परसेप्शन बना लिया है। तो कभी भी, और कहा जाता है कि लेस नॉलेज इज हार्मफुल, इसलिए जो आप जानते हैं वो जरूरी नहीं कि वो 100% हो। दूसरों से जब आप सीखते हैं, जब आप बात करते हैं, तो अपनी बुद्धि को हमेशा खुला रखना ताकि उसके बारे में और जानकारी आपको मिल सके, क्योंकि कहा गया है कि जो इंसान सीखना बंद कर देता है जिंदगी उसे आगे बढ़ाना बंद कर देती है। तो सीखना कभी बंद नहीं करना, किसी भी इंसान से, किसी भी सिचुएशन में हमें बहुत सी लर्निंग्स मिल सकती हैं। कंक्लूड करना चाहूंगा तीन चीजें जो स्टोरी से हमें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहली कि किसी भी सिचुएशन को, किसी पर्सन को अगर ऑब्जर्व करना है तो लंबे समय तक ऑब्जर्व करना, क्योंकि थोड़े टाइम में किसी के बारे में सही जानकारी हमें नहीं मिल सकती। दूसरी, हर मौसम एक जैसा नहीं रहता,
कभी पतझड़ है तो कभी बाहर है, यही जिंदगी के साथ होता है। मैंने पहले भी कई बार बोला है कि लाइफ इज लाइक एन ईसीजी, कभी अप कभी डाउन। लेकिन इस ईसीजी के अंदर, इस जिंदगी के अंदर जो उन अप डाउन का सामना करता है और धैर्य बनाए रखता है, अच्छा समय, अच्छी किस्मत, अच्छा भाग्य उसका कदम चूमता है। तीसरा और सबसे जरूरी लेसन कि अपनी बात को सही मानकर उस पर अड़े मत रहो। अपने दिमाग के और कानों के दरवाजे खिड़कियां खोल कर रखो, पता नहीं किस इंसान से कौन सी ज्ञान की बात सीखने को मिल जाए और वो हमारी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर दे। तो इन तीनों चीजों को अपनी जिंदगी में उतार लेना, कभी मत भूलना। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, उस नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर देना, क्योंकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूंगा उसको नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। क्योंकि मेरा ये प्रयास रहता है कि हर वीक मैं एक ऐसा वीडियो आप तक पहुंचा सकूं वो आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ला सके। बहुत जल्दी मिलते हैं ढेर सारी और इंस्पिरेशन के साथ। बी हैप्पी, बी अलाइव।